ठीक है देन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट, हाउ इफेक्टिवली हैव दे बीन यूज्ड सो फार, डिस्कस। ठीक है, तो आरबीआई जो है ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है जिसके जरिए वो मनी और क्रेडिट के सप्लाई को एक तरीके से कंट्रोल करती है, तो ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं और इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कितना इफेक्टिवली वो लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे डू। सबसे पहला तो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का आपने नाम सुना होगा, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, यू नो सीआरआर, एसएलआर, ये सारा चीज होता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि आरबीआई लाती है ईयर ऑन ईयर, हर साल ही रहता है ये, और ये लोग जो है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके मनी और क्रेडिट के सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो ओवरव्यू हो गया, अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके देन, नाउ The monetary policy is a system used to regulate the money supply and keep control of the cost and availability of the central bank's credit by using discretionary measures to attain objectives of economic policy. तो जो भी economic policy इंडिया की है उसको like उसके जो भी objectives हैं, जो भी उसके targets हैं, उसको achieve करने के लिए government जो है इन सारे चीजों को करती है, money supply को और क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है बाय द मॉनेटरी पॉलिसी। इसके वाइटल जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहला तो हो जाएगा प्राइस स्टेबिलिटी। अभी के टाइम पे आपको पता है हमारा इन्फ्लेशन काफी हाई है, सो अभी गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़े से बदलाव किए हैं प्राइस को स्टेबल रखने के लिए। हर एक चीज का प्राइस अभी बहुत ही ज्यादा हाई है, तो इन्फ्लेशन तकरीबन 15% के आसपास था, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए प्राइसेस को दे हैव चेंज्ड सम यू नो परसेंटेज इन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जहां भी उनको चेंजेस करने की आवश्यकता थी उन्होंने किया है। नाउ द प्राइस स्टेबिलिटी इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। प्राइस स्टेबिलिटी वॉज वॉट मॉनेटरी पॉलिसी एम्ड फॉर। प्राइस स्टेबिलिटी ही वो चीज है जिसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीके से बनाई जाती है। It wanted to avert inflation and severe depression. The economist feel that monetary policy is a must for orderly production behavior and also for general price stability. ठीक है, तो प्राइस का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस अगर स्टेबल नहीं होगा तो हर एक चीज की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इसको मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में ये लोग करते क्या, मॉनेटरी पॉलिसी में ये लोग करते ये है कि जो रेट होता है ना, जिस रेट पे हम लोग लोन ले रहे हैं, जैसे कि एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट में आपको पता है ये चीज, सुनान दो। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आई गेस जिस रेट पे बैंक्स लोन ले रही है, एक तो वो पैसा हो गया जो बैंक्स आरबीआई को अपने पास देती है, आरबीआई को पैसा देती है, उस पे बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, रेपो रेट। अब वही पैसा आरबीआई समटाइम्स लेंड करती है बैंक्स को, रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो पैसा लेंडिंग हो रहा है ना, यहाँ पे आरबीआई बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज कर देगी बैंक्स के ऊपर। तो बैंक्स के ऊपर जब हाई इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा तो बैंक अपने पॉकेट से तो पैसा देगा नहीं, वो क्या करेगा, हम लोगों को जो वो लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, होम लोन, कार लोन, कुछ भी, उसके ऊपर वो लोग इंटरेस्ट चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। तो जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्जेस बढ़ा देंगे तो हम लोग थोड़े से रिलक्टेंट हो जाएंगे, हम लोग लोन नहीं लेना चाहेंगे। तो लोन जब हम लोग लेंगे नहीं तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो घटेगा, वो कमेगा, तो उसके कारण से इन्फ्लेशन भी घटता है। ठीक है, एक स्पेंडिंग जितनी ज्यादा होती है इन्फ्लेशन उतना बढ़ता है। ठीक है, आप जितना पॉकेट में पैसे रख के खर्च करोगे महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इन्फ्लेशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो लोग क्रेडिट सप्लाई को ही रोक देते हैं, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते हैं तो लोग क्रेडिट ले ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर मतलब तरीका है जिसके जरिए वो लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं ना। ये तो बेसिकली इस पे होता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी में वही यही सब तो होता है, कैश रिजर्व वगैरह ये सब बढ़ाना कमाना कुछ भी करके आरबीआई बेसिकली कंट्रोल करती है ताकि इन्फ्लेशन ना हो, और डिफ्लेशन के टाइम पे बस रिवर्स करती है जो कि इंडिया में कभी होगा नहीं। यस As per them, the price stability ensures economic growth and employment and also promotes trade and commerce. तो price stability के बहुत सारे फायदे यहाँ पे बताए गए, इसके कारण से जो है economic growth होता है, employment होता है, और ये trade and commerce को भी promote करता है। ठीक है, next point है healthy balance and balance of payments. अब balance of payments क्या होता है, शुनाम थोड़ा सा बताइए मुझे। सर वो basically मतलब foreign exchange से पूरा
रिलेटेड हुआ होता है कि कितना मैंने फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन से मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाया है, या फिर कोई मुझे फॉरेन से पैसा कुछ नॉर्मल ट्रांसफर भी कर सकता है, वो सब भी सब कुछ आ जाता है इसमें बेसिकली। कोई भी एक्सपेंसेस कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू बेसिस पे हो, मतलब रेगुलर बेसिस पे हो, या फिर एसेट परचेज के टाइम पे हो, या फिर कोई भी डोनेशन, कुछ भी मतलब जो भी फॉरेन से हम लोग को आ रहा है या फिर फॉरेन में हम लोग का जा रहा है, वो हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रजिस्टर होता बैलेंस है। ऑफ यस 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 बैलेंस ऑफ हाँ पेमेंट में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग काउंट करते हैं। हमारा इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है। फॉरेन इसमें ट्रांसफर। इसमें सिर्फ एक चीज होता है जो कि एक्स्ट्रा होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड से। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जनरली गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमें सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल सरप्लस, ये चीज। ठीक है ना? तो हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब हो गया जहां पे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट ज्यादा नहीं होगा, है। हाँ इंपोर्ट कम होगा, ठीक है, तभी हाँ हमारा हाँ सरप्लस होगा। ओके, नाउ द फ्री एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी वाज वन सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी ध्यान देना मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑब्जेक्टिव है आप बोल सकते हो। अभी के टाइम पे जो हमारा क्या कहेंगे उसको, अभी के टाइम पे रुपी का वैल्यू आपको पता है ना, डेली गिर रहा है। लाइक 77 रुपीज अभी हो गया, 77 पॉइंट कुछ समथिंग। तो वो इसलिए है, हाँ वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का झमेला है वो हमारा हमेशा लो पे रहता है, प्लस इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हाई होने के कारण रुपए का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे मतलब गिर रहा है, और क्या, विथ कंपेरिजन टू डॉलर। ठीक है, तो इसको मैनेज करने के लिए, एक्सचेंज रेट को भी स्टेबल बना करके रखने के लिए ये लोग मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? मेरे को कितना सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट लिखना ओके, होगा। इवन द फ्री ट्रेड वाज अर्लियर कंसिडर्ड टू फ्यूल द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? तो फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड में ये होता था कि जो टैक्सेस होते थे वो कम लगाए जाते थे या फिर तो नहीं लगाए जाते थे। ठीक है ना? तो फ्री ट्रेड एरिया बना दिया जाता है जहां पे टैक्सेस नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं, तो उसको फ्री ट्रेड बोलेंगे। तो फ्री ट्रेड के कारण भी समटाइम्स क्या होता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को वो बूस्ट मिलता था फ्री ट्रेड के कारण। हाउएवर दीज डेज सेवरल नेशंस अटेम्प्ट टू मेंटेन रीजनेबल बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन एनी ऑफ द कंट्रीज हैविंग डेफिसिट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिसीव सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स व्हेन देयर आर गुड सेविंग्स एंड कंजम्पशंस आर कर्टेल। ठीक है, कभी बात बोली जा रही है कि आपको जो है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर ठीक तरीके से मैनेज करके रखना है, डेफिसिट होने से बचाना है, तो उस केस में यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बताई गई कि आपको अपना सेविंग्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपका जो कंजम्पशन है, जो एक्सपेंसेस है, उसको आपको थोड़ा सा कर्टेल करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, है ना, ताकि आपका जो है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक रहे। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है पर हमारा जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले हमेशा नीचे गिरता है, जस्ट हाँ, गिर बिकॉज ऑफ रहा ये है। कि हम हाँ लोगों का एक्सचेंज रेट जो है काफी क्या बोलेंगे हाई, मतलब हाई। हाँ, एक हम लोग के हाई पैसे की एक्सचेंज रेट वैल्यू हाई गिरती है जा ये। रही है, हमारा हाँ एक्सपोर्ट हाँ बहुत ही कम है। ठीक है, अगला है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम फीजिबल आउटपुट। ठीक है, तो ये भी एक फायदा होता है जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो फुल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट भी लाइक जनरेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और जो आउटपुट होता है वो भी बहुत ही फिजिबल होता है। ठीक है, मतलब अच्छा अच्छा आउटकम निकलता है जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो उसका। द इकोनॉमिस्ट से दैट द सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट हेल्प्स इन मेकिंग मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दैट इन टर्न रेजेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट रेट जैसा रहेगा, अगर अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसकी भी लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अब अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अगर आपके पास है तो उसके कारण से वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से वो अट्रैक्ट करती है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होती है। ठीक है, फोर्थ है हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करने का फायदा ये भी हो गया कि हम हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो इन्विजन्स द एक्टिविटीज दैट कैन लीड टू हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बोला, बस एक ही लाइन बोला है।
एग्जाम में भी वही चीजें करनी है, पॉइंट्स याद रखना है और उन पॉइंट्स को फिर डील करना है, जितना ज्यादा आप कर पाओगे आंसर्स को बड़ा बनाना है, ठीक है? सर आप ये ओके मतलब जो असाइनमेंट का ये है ना, इसका थोड़ा बहुत एक या दो क्वेश्चन आप मुझे एक बार अगर करके भेजते ना तो मैं थोड़ा समझ जाता कि कैसे लिखना होगा, या फिर मतलब थोड़ा बहुत अगर हेल्प मिल जाता हाँ हाँ एमकॉम का बिल्कुल वो बिल्कुल, इसमें। मैं थोड़ा फ्री होकर के मैं उसको करता हूँ, डोंट वरी। और ओके आपके ओके पास थैंक यू बुक सर। बुक्स वगैरह आए कि नहीं आए अभी तक? नहीं आया, वही तो प्रॉब्लम है, बुक्स अगर आ जाता बहुत अच्छा होता, हम देख थोड़ा बहुत उससे हो जाता काम। हाँ ये बात तो है। बुक भी नहीं आया, बुक अभी आएगा काफी, तो मुझे लग रहा है अभी तो बहुत दिनों लगेगा, क्योंकि मेरा वो जो म्यूजिक का मैं कोर्स कर रहा हूँ उसमें मैंने एडमिशन लिया था जुलाई के सेशन में, मुझे बुक्स आया था एक रिसेंट एक या 1.5 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले, अप्रैल में आया था शायद, ये जबकि लोग मैंने बहुत एडमिशन स्लो लिया था भेजते हैं, बहुत बहुत स्लो। स्लो भेजता। हाँ तो वो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अक्टूबर पे नवंबर तो हो ही जाएगा बुक्स आते आते, नेक्स्ट सेम के पहले शायद आ जाए, लेट्स सी। वैसे मेरा तो कहना होगा कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये लोग चूंकि वेबसाइट इन्होंने अच्छा अपडेट कर दिया है तो जल्दी ही जो रेस्ट जो आपका चार पेपर है उसका भी असाइनमेंट्स आ जाएगा, तो बेस्ट होगा कि आप सितंबर अक्टूबर में जो डेट होगा लास्ट उस टाइम पे आप सबमिट करना, तब आपको हड़बड़ी भी नहीं हाँ रहेगा, हाँ इत्मीनान से आठों पेपर सबमिट कर हाँ देना। एक एक हाँ एक अराउंड ये लोग डेट तो एक्सटेंड कर देता है 1-2 महीना और भी ज्यादा धीरे धीरे हाँ करते करते। ये लोग 15 सितंबर बोलते हैं, वो अक्टूबर चला जाएगा, अक्टूबर 30, नवंबर 30 हाँ तक भी जा सकता मतलब है। वो इसी सेशन का ही है ना, नॉर्मली इतना ही हाँ एक्सटेंड हाँ होता है। इसी सेशन का है। ठीक, ओके ओके ओके। ये मैं पहले भी सुना, मतलब बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में ये बोलता है कि वो लोग ऐसे डेट देते हैं फिर वो एक्सटेंड हो जाता है हर बार। हाँ खासकर ये कोविड में तो और ज्यादा। हाँ वो कोविड में बहुत पीछे हो गया तो ओवरऑल सेशन ही तो थोड़ा पीछे पीछे चल रहा हाँ है। ओके देन आगे चलते हैं। तो प्री 1991 की पहले की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अ स्टैट्यूटरी राइट टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। इट हैज सेवरल क्वांटिटेटिव मेथड्स टू कंट्रोल द मनी इन द मार्केट एंड मार्केट दैट इंक्लूड्स बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको ओएमओ बोला आता है, कैश रिजर्व रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको एसएलआर बोलते हैं, आईबीआर ऑन द ऑन वन हैंड हेल्प्स इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, हाउएवर ऑन द अदर हैंड इट इज यूज्ड टू कॉम्बैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स डेवलप टू प्लान फाइनेंसिंग, ठीक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया कि उसके पास स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है कि वो मनी के सप्लाई को और क्रेडिट के सप्लाई को एक तरीके से मैनेज कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बोला गया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए वो इन कामों को करता है। वो मेथड्स क्या क्या हैं? वो मेथड्स हो गया जैसे कि बैंक रेट पॉलिसी हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, रेट मतलब रेशियो की बात की जा रही है, स्टैटरी लिक्विडिटी लिक्विड रेशियो हो गया। सो दीज आर द मेथड, दीज आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स नहीं मेथड्स ही बोलेंगे, जिसके जरिए वो लोग मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करके मनी के सप्लाई और क्रेडिट के सप्लाई को, मनी एंड क्रेडिट के सप्लाई को वो लोग मैनेज करते हैं, ठीक है? तो आरबीआई इसके लिए प्लानिंग करती है, ऑन द अदर हैंड वो लोग इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन प्रेशर को मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वो ये इन सारे चीजों को भी करती है, ठीक है? आरबीआई ओके एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी, महंगाई को घटाने के लिए आरबीआई की जो पॉलिसी है उसके बारे में यहाँ पे छोटा सा है, इसको देख लेते हैं। इन अर्ली 50s द रिजर्व बैंक रेज द बैंक रेट फ्रॉम 3% टू 3.5% टू फाइट आउट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। सिमिलरली ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर प्लान इट ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। देखो तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमेशा ही रहा है, ठीक है? हमारा टारगेट, आरबीआई का टारगेट हमेशा रहता है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है उसको 6 से 6.5-7% तक के बीच में रखा जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट अभी रिसेंट में ये 15% क्रॉस कर गया था, ठीक है ना? तो उसको अच्छा मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये 6 से 7% का टारगेट अचीव करने के लिए ये लोग जो है मॉनेटरी पॉलिसी में हमेशा चेंजेस करते रहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ मतलब अर्ली 50s की बात की जा रही है, उस टाइम पे बैंक रेट था 3% टू 3.5%, ठीक है? सिमिलरली सेकेंड ईयर प्लान में भी वही हुआ, सेकेंड ईयर प्लान में भी उनको चेंजेस करने पड़े इसको मैनेज करने के लिए,
दस इट वॉज गिवन द अच्छा पावर ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो उस टाइम पे उनको कैश रिजर्व रेशियो की बात दिमाग में आई कि एक काम करते हैं हम, बैंक्स को बोलते हैं कि तुमको इतने परसेंट, 4% 5% कैश जो है तुम्हारे पास हमेशा रिजर्व में होना चाहिए, तुम उसको दे नहीं सकते, लेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सीआरआर का रेशियो तकरीबन 4-5% के आसपास अभी है, 4% था काफी दिनों से, अभी पता नहीं कितना एग्जैक्ट। तो 4% जो भी उनका हाँ हाँ डेली का जो उनका कैश उनके पास होगा उसका 4% हमेशा उनके रिजर्व में होना चाहिए, ठीक है ना। और अच्छा SLR 25% के आसपास रहता है, 22.5 से लेकर 25% के आसपास। तो वो भी एक तरह से कैश और बॉन्ड्स के ये में रहता है, क्या बोलेंगे उसको, कॉम्बिनेशन में रहता है। तो वो पैसा भी उनको अपने पास जमा रखना होता है, ठीक है। तो ये सारा मेजर्स है जिसके जरिए वो लोग के पास पैसा घट जाता है। तो पैसा घट जाएगा तो वो लोग डेफिनेटली उस चीज को लोन के रूप में दे नहीं पाएंगे किसी को, और जब लोन के रूप में नहीं दे पाएंगे तो वो लोग मार्केट में मनी को जाने से रोक रहे हैं, उसके क्रेडिट सप्लाई को होल्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जिसके कारण से प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा घटता है, हमारा इन्फ्लेशन जो है वो घटता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट दे डू। इट ऑल्सो लॉन्च द सेलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट स्कीम टू कंट्रोल स्पेकुलेटिव होर्डिंग्स ऑफ एसेंशियल एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज। अब ये थोड़ा सा अंदर चला गया, ठीक है ना। ये स्पेकुलेटिव होर्डिंग्स जो है एसेंशियल एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज का, उसको एक तरीके से घटाने की कोशिश की जाती है ताकि प्राइस बहुत ज्यादा स्पेकुलेट ना करें। स्पेकुलेट मतलब तो वो हो गया सट्टे लगाना, ठीक है ना। तो ये जो प्राइसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है ना किसी किसी कमोडिटी का, उसको मैनेज करने के लिए ये लोग जो है वहां पे काम कर रहे हैं। ये लोग कुछ सेलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट स्कीम उस टाइम पे लाए थे जिसका इस्तेमाल वो लोग करते थे। ड्यूरिंग द थर्ड प्लान इट फॉलोड द कंस्ट्रक्शन मॉनेटरी पॉलिसी वेयर द बैंक रेट वॉज इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी प्रॉपर बनाई जाती है थर्ड प्लान में, जहाँ पे बैंक रेट वो लोग बढ़ा देते हैं। इन सेप्टेम्बर 1963 इट ऑल्सो रेज्ड SLR। सितंबर 1963 में फर्स्ट टाइम वो लोग SLR को इंक्रीज करते हैं, काफी ज्यादा रेस कर देते हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड द क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम इन 1965 विद एन एम टू रेगुलेट द लार्ज लेंडिंग टू बिग बोरोवर्स, ठीक है। तो क्रेडिट, ये जो क्रेडिट यहाँ पे दिया जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये लोग 1965 में क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम लेकर के आते हैं, ताकि जो लार्ज लेंडिंग्स है, जो बड़ी बड़ी पैसे जो है बड़े बड़े कंपनीज को, बड़े बड़े बोरोवर्स को दिए जाते हैं, उसको भी रेगुलेट किया जा सके, उसको भी कंट्रोल किया जा सके इन द ईयर 1965। अगेन ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान द RBI विद अ व्यू टू फाइट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इंक्रीज SLR फ्रॉम 26 to 32%। अब देखो यहाँ पे भी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने, RBI ने क्या करा, 26 से 32% कर दिया, 6% का रेज, बाप रे, बहुत ही ज्यादा बड़ा रेज। तो ये 32% उनको अपने पास रखना होता था बैंक्स को, ठीक है। इवन द CRR वाज रेज्ड, ठीक है। सो दीज आर द मेजर्स दैट दे वेयर, क्या बोलेंगे, टेकिंग टू फाइट इन्फ्लेशन। ड्यूरिंग द सिक्स्थ प्लान RBI अगेन इंक्रीज द M3, ठीक है। ये M3 क्या है भाई, ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा। M3 एट अ रेट ऑफ 16.9% एंड इवेंचुअली देयर वाज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द M3 प्राइस मतलब एट द वो रेट मनी सप्लाई का जो M1 M2 M3 होता है वो हो सकता है क्या? आई गेस वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। हाँ मनी सप्लाई का M1 M2 M3 M4 होता है कुछ ऐसा। बट ये लोग को यहाँ पे टेक्निकल नहीं जाना चाहिए था, कोई नहीं। हाउएवर द इन्फ्लेशन फेल टू बी कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पाता है। अगेन इन 1981 द बैंक रेज वेंट अप फ्रॉम 9% टू 10%, सीआरआर वेयर रेज फ्रॉम 6.6 to 9%। हाउएवर इन्फ्लेशन डिड नॉट गो डाउन, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता है। दस द लेटर इट इज इनवाइटेड ग्रेटर कॉशंस एंड कंसर्न्स, ठीक है। तो ये मतलब 1991 में आपको पता है वो LPG इंट्रोड्यूस होता है, तो उसके पहले का जो जो कंडीशन था उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है बताया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट 1991 मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी पॉलिसी कैसी रही है 1991 LPG इंट्रोड्यूस होने के बाद से, ठीक है। सो द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा सॉ द इमर्जिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट फॉर टू पर्पसेस। फर्स्टली द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन हम लोग सेम चीजें ही करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं विद टू पर्पसेस। यहाँ पे दो पर्पस बोला गया है, पहला तो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन, ठीक है, और दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फाइनेंशियल सिस्टम में। 10 मिनट बचा है, इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनका दो ऑब्जेक्टिव था जिसको ये लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर 1991 से, ठीक है, 1990 1991।
ठीक है. हाउएवर प्राइमरली इट एम फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ. इट आल्सो इंश्योर्ड इंश्योर टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड टू इंश्योर सफिशिएंट क्रेडिट फॉर कीपिंग प्राइवेट सेक्टर एट लो कॉस्ट. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को ये लोग लाइक लो कॉस्ट में रखने के लिए, इनके प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए, कम रखने के लिए ये लोग जो है क्या कहेंगे उसको, डिफरेंट स्टेप्स डिफरेंट मेजर्स जो है ये लोग ले रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के तहत. ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये थोड़ा सा जानना था, इसको कर लेते हैं. द आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ये ओएमओ मैंने पढ़ा है बट एग्जैक्टली मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा. ओएमओ में ना ये लोग एक विंडो क्रिएट करते हैं, उस विंडो में सिक्योरिटीज रिलेटेड रहता है, विंडो होता क्रिएट होता है हाँ, जहाँ पे ये लोग सिक्योरिटीज, ये जो कमर्शियल बिल्स जब वगैरह जब होगा बेसिकली इंस्ट्रूमेंट, जब हाँ हाँ उनका वो है. मतलब बट जब इन्फ्लेशन होता है तब बेसिकली उसको मतलब बेचना शुरू करते हैं ताकि पैसा लोगों से गवर्नमेंट के पास चले आए, या फिर हाँ ओएमओ जो लोग करा रहे हैं उन लोगों के पास आ जाए, बेसिकली आरबीआई वगैरह के पास। और अच्छा जब रेट मतलब पे, अगर हाँ अच्छा डिफ्लेशन रेट पे चलता है उनको तो मिलता बेच है. देगा उसको, हाँ उसको बाद में मतलब वो लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का वो होता है, अगर इनकेस डिफ्लेशन भी हो जाता तो आरबीआई बेच देगा उसको बेसिकली उन लोगों के पास, ताकि मतलब सॉरी आरबीआई खरीद लेगा उन लोगों से ताकि उन लोग को पैसा मिल जाए हाथ में, ताकि वो खर्चा कर पाए डिफ्लेशन के टाइम पे, हालांकि वो बिल्कुल होता बिल्कुल. नहीं। थोड़ा सा डीपली यहाँ पे लाइक मैंने पढ़ा था बट अभी फिलहाल याद नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो है ओएमओ में यही सारी चीजें होती हैं, जो भी कमर्शियल बिल्स, वो जो भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसी को हाँ लेकर के लाइक हाँ हाँ डीलिंग्स हाँ यहाँ हाँ पे हो रही हाँ है. गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, हाँ हाँ और ये थोड़ा सेफ भी होता है तो लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, हाँ गवर्नमेंट का हाँ हाँ अपना है भी. इन्वेस्ट करते हैं ठीक, ठीक है. हाँ द हाँ सी आर आर एंड एस एल आर वेयर लोअर्ड गोइंग थ्रू द रिकमेंडेशंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स. बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में सी आर आर एस एल आर को कम रखने की बात की गई, तो ये लोग वो उस चीज को इन लोगों ने किया. देयर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी 1991. ये एक नया टर्म है जिसका उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था 1991 में. इट लेटर ऑन ट्रांजिटेड इनटू फ्री फ्लेज फुल फ्लेज्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. ठीक है, जो लिक्विडिटी होती है, कैश होती है, उसको एडजस्ट करने के लिए ये लोग उस चीज को लाइक मैनेज कर रहे थे. देयर वाज अ रीएक्टिवेशन ऑफ बैंक रेट्स एंड आरबीआई स्टार्टेड मैनेजिंग द लिक्विडिटी थ्रू ओपन मार्केट. ठीक है, तो रीएक्टिवेट किया गया बैंक रेट्स को, ये लोग जो ओपन मार्केट में ऑपरेशंस कर रहे थे उन चीज को लेकर के. दस द 1990s saw the coming down of SLR, CRR and lowering down of bank interest rates for monetary management. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1990s में जो भी ये सारे ये लोग जो हैं क्या बोलेंगे, जो भी इनका स्टेप्स था उसके कारण से अभी के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ये रेट्स जो हैं काफी नीचे हैं. नीचे है मतलब उसी पे प्राइस पे है, तकरीबन SLR अभी 22.5 से लेके 25 के बीच में है, CRR 4% के अच्छा, आसपास है, लेकिन इसके पहले जो जो ये सारा रेट्स था ये बहुत ही हाई हुआ करता था, बहुत हाई था, बहुत ही हाँ हाई था. हाँ हाँ तो ये सारे चीजें करने के बाद ही जो है इन लोगों ने मैनेज कर पाया चीजों को, बैंक रेट्स जो है उसको वो लोग कम कर पाए. ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उन लोगों ने किया है आफ्टर द एलपीजी जो हमारा एरा स्टार्ट हुआ था उसके बाद. ठीक है, हाँ देयर वेर फॉलोइंग सीन्स बीइंग विटनेस इन द सिनेरियो इन 1990s. अब ये कुछ कुछ चीजें जो है विटनेस किया गया था 1990s में, जिसके बेसिस पे उन लोगों ने अपना मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस किया. तो ये वो कुछ चीजें थी जो चीजें उस टाइम पे हुई थी. ठीक है, क्रिटिकल अप्रेजल विद अ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, देयर वाज सीरियस माइक्रो इकोनॉमिक इंबैलेंसेस. द आरबीआई स्टार्टेड कीपिंग अ चेक ऑन इन्फ्लेशन रिकॉर्ड ऑन एनालिटिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड इंटरेस्ट पास थ्रू. ठीक है, तो ये क्रिटिकल अप्रेजल उस टाइम पे वो लोग जो है क्रिटिकली चेक करते थे, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड्स को ठीक तरीके से मैनेज करते थे, क्या इन्फ्लेशन है नहीं है वो सारी की सारी चीजें वो लोग उस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से चेक करते थे. क्रेडिट सप्लाई, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर जो है आरबीआई का प्रॉपर ध्यान हुआ करता था. देयर वर सेवरल ट्रेड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991-92, सम ऑफ द मेन प्रोविजंस वेयर. ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेड रिफॉर्म्स भी हुए उस टाइम पे 1991-92 में, और जो प्रोविजंस जो भी चीजें हुई, ये काफी थोड़ा लंबा हो जा रहा है, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बोला गया है. डीवैल्यूएशन सबसे पहला तो है, डीवैल्यूएशन एंड कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी. तो डीवैल्यूएशन किया गया, हमारा जो करेंसी था उसको डीवैल्यूएट किया गया ताकि जो हाँ, इन्वेस्टमेंट है ताकि एफडीआई है उसको बढ़ाया जा हाँ सके. वो आ हाँ सके, हाँ यस यस हाँ तो हाँ डीवैल्यूएशन किया गया, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, रूपी को आप बहुत ही इजिली कन्वर्ट कर सकते हो एक्सचेंज रेट मार्केट में, एक्सचेंज मार्केट में, वो उस चीज के ऊपर भी उन लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया.
तो द इंडियन मार्केट विटनेस अ डिवैल्यूएशन एंड कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी. देयर वाज अ डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म. ठीक है, डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर दिस लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म. ठीक है, तो ये तो सबसे पहला रिफॉर्म था बोल सकते हैं. सब कलर में थोड़ा सा मेरा. ठीक है, लेटर ऑन इवन आरबीआई मेड सेवरल चेंजेस एंड अलाउड द रिलैक्सेशन इन पेमेंट रिस्ट्रिक्शंस सून आफ्टर द पोस्ट 1993-94 बजट एरा इवन द डुअल एक्सचेंज सिस्टम वाज एबॉलिश्ड एंड रुपी वाज मेड कन्वर्टिबल. ये डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम 1993-94 में जो है इसको खत्म कर दिया जाता है और रुपी को जो है कन्वर्टिबल बना दिया जाता है. आप इजिली रुपी को कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट जो भी क्या कहेंगे उसको जो करेंसीज हैं उसमें. लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट को लिबरलाइज कर दिया गया. ठीक है, ये भी एक है, इम्पोर्ट्स को लिबरलाइज कर दिया गया. अंडर द लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट द नंबर ऑफ फ्रीली इम्पोर्ट आइटम्स विटनेस अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ. तो जब आपने इम्पोर्ट को लिबरलाइज कर दिया तो उसके कारण से जो चीजें हम लोग इंडिया के बाहर से मंगवाते थे उसमें भी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला, एक अच्छा सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला. हालांकि उसका प्रेशर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर पड़ता है, बट ये दोनों तरफ से फायदेमंद होता है. ठीक है ना, तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव चीज ही हम लोगों को देखने को मिला. देखो, बाहर से सामान आ रहा है इसका मतलब हम लोग खर्चे कर रहे हैं. ठीक है, खर्चे तभी हो रहा है जब हम लोग कमा पा रहे हैं. सो हर एक चीज का फायदा है नुकसान है, तो यहाँ पे उस चीज का फायदा भी हम लोगों को मिला, साथ ही साथ जो हमारा बर्डन था उसके ऊपर भी लाइक एक तरीके से बढ़ेगा वो. ठीक है, इम्पोर्ट जो है बढ़ जाएगा, हमारा एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा. दिस प्रोसेस वॉज इम्प्लीमेंटेड टू ब्रिंग इन पैरिटी इन द प्रोसेस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन होम एंड अब्रॉड. ठीक है, तो जो टैरिफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर था, जो टैक्स का स्ट्रक्चर था, उसमें भी थोड़ा रैशनलाइजेशन किया गया. ऐसा नहीं कि जो होता है ना कि बाहर से चीजें आ रही हैं तो उसके ऊपर मैंने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, घर की चीजों के ऊपर टैक्स कम है तो हम लोग एक्सपोर्ट आसानी से कर पा रहे हैं, बाहर की चीजों के ऊपर प्राइस बढ़ा दिया तो इम्पोर्ट हमारा महंगा हो गया. तो इस तरह की चीजें जो है वो लोग वहां पे करते थे. ठीक है, इवन अभी भी ये चीज होता है. ठीक है ना, तो समटाइम्स ये लोग इसके ऊपर ईज कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ठीक है चलो बाहर से चीजें आ रही हैं उसको थोड़ा सस्ता रखते हैं. बट समटाइम्स जब यहाँ की जो कंपनीज उनको जब लॉसेस होने लगते हैं, इंडियन इकोनॉमी जब खराब होने लगती है, तो ये लोग टैरिफ को फिर बढ़ा देते हैं, टैक्सेस रेट्स को फिर बढ़ा देते हैं इम्पोर्टेड आइटम्स पे. जैसे कि टेस्ला का एग्जाम्पल ले लो, टेस्ला भी इंडिया में अपना नहीं खोल पा रहा है, नहीं स्टार्ट कर पा रहा है, इसीलिए क्योंकि जो टेस्ला का प्राइस है उससे ज्यादा तो उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है. हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा. 25 लाख का गाड़ी हम लोग 50 लाख में खरीदेंगे और जो ज्यादातर पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है टेस्ला की कार्स का. दैट इज व्हाई दे आर नॉट कमिंग टू इंडिया. अच्छा, 1 मिनट 53 सेकंड. इम्पोर्ट बाई एक्सपोर्ट हाउसेज एंड ट्रेडिंग हाउसेज दिस प्रोसेस ऑल्सो बेनिफिटेड द इकोनॉमी इन डिफरेंट वेज. द आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1980s इंट्रोड्यूस्ड सेवरल रिफॉर्मिस्ट मेजर्स. द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया केम अप इन 1981 टू ब्रिंग इनटू फोल्ड द इंडियन मनी मार्केट. ठीक है, 1981 की बात की जा रही है, काफी पुराना बात हो गया. देयर आफ्टर द देयर वाज डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऐसा भी हुआ था. इवन द लीडरशिप ट्रांसपेरेंसी वाज मेड इन द ट्रांजेक्शन मेड फॉर द ट्रांजेक्शन टू द मनी मार्केट्स. फर्दर इन 1989 1990 द आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड टू मॉनेटरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. दीज वेयर सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर. तो ये सारी चीजें जो है वो लोग 1989-1990 में जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको डीरेगुलेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए. थोड़ा सा और है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना, हमारा क्लासेस भी अब खत्म हो जाएगा. ठीक है, अच्छा सुना अच्छा दो रेस्ट ऑफ द जो चीजें हैं यहाँ पे, दो तीन पैराग्राफ है, आप इसको थोड़ा सा खुद से कर लेना. टॉपिक तो ये क्लियर समझ में मैं आ गया होगा. यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हाँ प्रॉपर बताया गया कि आरबीआई ने किस तरीके से हाँ मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने के लिए जो चीजें वो लोग करते हैं, क्या क्या इसका हिस्ट्री रहा है, प्लस अभी क्या है कॉमन सिनेरियो, उसके बारे में भी लाइक आपको डिस्कस करना है और किस हद तक हम लोग उस चीज को अचीव कर पाए हैं वो भी यहाँ पे बोला गया है. ठीक है, अच्छा तो अच्छा ओके क्वेश्चन था और इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में. तो ये हाँ हमारा हाँ पहला क्वेश्चन हम लोगों ने हाँ कर लिया, थोड़ी देर बाद अगले क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक करते हैं. अच्छा अच्छा ओके तो ठीक है, मैं फिर मैं लीव करके फिर शेयर. से ज्वाइन करता हूँ। हाँ, सेम लिंक पे, सेम लिंक पे. हाँ ठीक 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 ओके ओके ठीक है, ओके देन, ओके. हाँ ओके ओके।